नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आशा है आप सब स्वस्थ एवं खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं एक चटपटा रेसिपी जिसे आप मेन कोर्स में चावल या रोटी के साथ साइड डिश में ले सकते हैं, जिसे आप पाइनएप्पल खट्टा या ओडिया में सपूरी खट्टा या अनानास की चटनी कह सकते हैं। इसे आप आसानी से 5 से 6 दिन फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। हमने अनानास को छोटे क्यूब्स में काट के धो के ले लिया है। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, पंचफोरन, सूखी लाल मिर्च, खट्टा का मसाला या चटनी का मसाला जिसे हमने घर में ही बनाया है। जिसे बनाने के लिए हमने 1-1 चम्मच मेथी, सौंफ, सरसों को अच्छे से भून लिया और उसे ग्राइंड कर लिया है। और हमें चाहिए कड़ी पत्ता, हींग और गुड़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई गर्म करके ले लिया है, जिसमें हमने 1 चम्मच तेल डाला है। अब डालेंगे हम पंचफोरन, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें चुटकी भर हींग डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब कटा हुआ अनानास इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 3/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर। अब इसे अच्छे से मिलाकर ढक देंगे। इसे हमें ढककर सॉफ्ट होने तक पकाना है और बार बार इसी तरह चलाते रहना है। अब हम इसमें 3/4 कप गुड़ ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करके इसे ढक देंगे। देखिए, अब लीड ओपन करके देख लेते हैं। हमारा गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह इसे बार बार ढककर अच्छे से पकाना है। अब ये आधा पक चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और साथ में 1/2 चम्मच नमक डाला है मैंने। अब इसे हमें तेज आंच में ढककर पकाना है। देखिए, हमारा अनानास का पानी एकदम सूख चुका है और ये एकदम पक चुका है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसे हमने पानी में घोल के रखा है, अब हम इसे ऐड करेंगे अनानास में। कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करने के बाद हमें इसे मिलाते रहना है, वरना ये नीचे से चिपक सकता है। अब हम इसमें मिलाएंगे खट्टा मसाला जो हमने घर में बनाया था। ये खट्टा का मेन इंग्रेडिएंट है, जिससे कि स्वाद और उभर कर आता है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और धीमी आंच में ही थोड़ा पकाएंगे और गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। ओडिया में कहें तो सपूरी खट्टा और हिंदी में चटपटी अनानास की चटनी या पाइनएप्पल खट्टा एकदम बनकर तैयार है। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। देखने में लग रहे हैं ना बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग, तो जरूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर में रहिए और स्वस्थ रहिए और मेरे रेसिपीज को ट्राई करते रहिए।
Bye bye and take care.